So that's why today we have to see the topic types of budget. As we have studied yesterday, that types of budgets have been divided into three stages. Number one is classification on the basis of time, classification on the basis of function, classification on the basis of capacity. अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम की बेसिस पर जो है वो तीन तरीके के बजट जो है वो क्लासिफाई हो रहे हैं. एक है तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म बजट, दूसरे को बोलते हैं शॉर्ट टर्म बजट, और थर्ड वन इज करंट बजट. दीज ऑल थ्री बजट्स आर बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. टाइम की बेसिस पर ये बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज टाइप बी, ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. फंक्शन यानी इनका क्या फंक्शन है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको बनाया जाता है. इसमें जो बजट्स आते हैं उनको हम नाम देते हैं या तो फंक्शनल बजट, और देर इज अ सेकेंड नेम फॉर फंक्शनल बजट, दैट इज सब्सिडरी बजट. नेक्स्ट वन इज मास्टर बजट, यानी फंक्शन बजट और मास्टर बजट दो ही बजट हैं जो कि हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे देखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी के बेस पर अगर हम देखें तो दो बजट बनते हैं, एक है फिक्स्ड और दूसरा है फ्लेक्सिबल. आज हम इन सबको डिस्क्रिप्टिव वे में जो है वो समझने जाएंगे कि ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, ये बजट्स क्या है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज. सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं उसके हिसाब से देख रहे हैं. सबसे पहले हमने देखा था लॉन्ग टर्म बजट. लॉन्ग टर्म बजट के बारे में जानेंगे. लॉन्ग टर्म बजट के लिए बता रहा है प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड बिटवीन 5 to 10 years. यानी लॉन्ग टर्म बजट जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है बजट. उसका ड्यूरेशन 5 years, 8 years, 10 years और मे बी मोर देन दैट, इतना जो है वो हो सकता है. ये डेवलप कौन करता है, ये डेवलप करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है डेवलप करते हैं इसको. लॉन्ग टर्म बजट को टॉप लेवल मैनेजमेंट डेवलप करता है. और इसमें फर्दर क्या करते हैं, समराइज द जनरल प्लान ऑफ ऑपरेशंस. इसके अंदर क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं सारे जो जनरल प्लान ऑपरेशंस हैं उनको समराइज करते हैं. एंड इट्स एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज, और उसमें जो एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन सबको एक ही जगह समराइज कर दिया जाता है. कॉन्सिक्वेंसेज यानी रिजल्ट्स, जो कंक्लूजन निकलते हैं. आगे बताना इसमें प्रिपेयर्ड फॉर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज, कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं उनके लिए बनाया जाता है. समटाइम्स जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम अपना कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, तब उस टाइम पे जनरली ये बजट बनाए जाते हैं. जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में लॉन्ग टर्म बजट हम सोचते हैं कि मशीनरी अगर हम खरीदें तो कौन सी मशीनरी खरीदें जो 5 years तक चले, जो 10 years तक चले, या उनका मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं, या कॉस्ट देखते हैं, या प्रोडक्शन कैपेसिटी देखते हैं. तो यानी ये जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होता है, फॉर कैपिटल एसेट्स. लाइक कभी कभी ये हो सकता है, इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट या रिसर्च के लिए भी हो सकता है. कि न्यू प्रोडक्ट को, मैंने पहले भी बताया था कि न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट की रिसर्च करना पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करना पड़ती हैं. इसमें इंजीनियर्स वगैरह लगते हैं कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा हो, प्रोडक्ट को कैसे हम जो है वो कस्टमर्स के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग या कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग हम जो है बनाएं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. तो इसको भी लॉन्ग टर्म बजट में जो है वो क्लासिफाई होता है ये. लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो भी जितने भी होते हैं उनको भी लॉन्ग टर्म बजट्स के अंदर बनाया जाता है. तो ये तीन टाइप्स हो गए एक तरीके से, कि कौन कौन से इसके अंदर बजट जो है वो बनते हैं, या कौन कौन सी चीज़ों के बजट बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के इसमें बजट बनाए जाते हैं. लॉन्ग टर्म के बाद जो है जाहिर बात है नेक्स्ट बजट जो आएगा वो हमारे पास आएगा वो है वो शॉर्ट टर्म बजट. शॉर्ट टर्म बजट जो है वो पीरियड इसका होता है फॉर पीरियड ऑफ अराउंड 1 year. 1 year तक के लिए जो है वो इसको बनाया जाता है. यानी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जो हम बजट बनाते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म बजट बोलते हैं. ये हो सकता है मे बी प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्टर पीरियड, हो सकता है कि इससे भी शॉर्टर पीरियड के लिए आप जो है बनाएं, जैसे कि क्वार्टरली बेसिस पर या फिर हाफ ईयरली बेसिस पर, यानी 3 months to 6 months भी इसको बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि ईयरली बेसिस है तो पूरा ईयरली बनाए, हम 3 months to 6 months भी इसको बना सकते हैं. इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप वेरी कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वो जो है वो इसको 3 months के लिए बनाए या 6 months के लिए बनाए या ईयरली बनाए. कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो 3 months के लिए ही बना करके अपने शॉर्ट टर्म बजट को चल सकता है. यानी
The scope may vary considerably among different organization. Organization to organization vary करेगा कि वो budget, short term budget जो है 3 months का बनाना चाहेंगे, 6 months का बनाना चाहेंगे या पूरे year का बनाना चाहेंगे, वो depend करेगा organization के size पर. लास्ट बजट जो आता है उसके अंदर आता है करंट बजट. करंट बजट को हम अगर देखें तो इसको बनाया जाता है प्रिपेयर्ड फॉर द करंट ऑपरेशंस. करंट ऑपरेशंस के लिए इसको बनाया जाता है बिजनेस में, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं. तो करंट ऑपरेशंस के लिए जो हम बजट बना रहे हैं वो हमारे लिए करंट बजट होता है. एस्टैब्लिश्ड फॉर यूज ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो बनते हैं बजट, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि जो है वो 1 month की ही हो, 15 days की ही हो, तो वो करंट बजट के लिए के अंदर क्लासीफाई होगा, उसको क्लासिफिकेशन होगा, तो इनका जो है शॉर्टर पीरियड ही रहता है. लास्ट पॉइंट जो इसमें बता रहे हैं वो बता रहे हैं द प्लानिंग पीरियड ऑफ ए बजट जनरली इन मंथ्स और वीक्स. वीक्स में या फिर मंथ में आता है, यानी जैसे 1 week के लिए जो है करंट बजट बना लिया, 2 weeks के लिए करंट बजट बना लिया, या 1 or 2 months के लिए करंट बजट बना लिया, ये करंट बजट के क्लासिफिकेशन होता है. कुछ ऐसी छोटी एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए इनको बनाते हैं. नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास बी क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन बी जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. फंक्शन के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि बजट किस तरीके के हो सकते हैं. फंक्शन के बेसिस पे अगर देखें तो सबसे पहला हमारे पास जो बजट होता है वो होता है फंक्शनल. फंक्शनल का सेकंड नेम है सब्सिडरी बजट. ये क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं. फंक्शनल बजट्स या फिर सब्सिडरी बजट्स रिलेट्स टू एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी फंक्शन होता है उसके लिए जो बजट बनाया जाता है उसे हम फंक्शनल बजट या सब्सिडरी बजट कहते हैं. फंक्शनल बजट किस टाइप के हो सकते हैं. फंक्शनल बजट या तो सेल्स का बजट हो सकता है, या फिर परचेज डिपार्टमेंट का बजट हो सकता है तो वो परचेज बजट हो सकता है. प्रोडक्शन वाले जो लोग करेंगे वो प्रोडक्शन बजट हो सकता है. हो सकता है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बजट हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का बजट हो, लेबर कॉस्ट का बजट हो, या कैश बजट हो, या कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट हो. ये बजट जो है फंक्शनल बजट कहलाएंगे. ये सारे जो एग्जांपल्स यहाँ पे हैं इनको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल बजट कहेंगे. सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर, कैश और कैपिटल, इन सबको जो हम कहेंगे तो ये हमारे लिए फंक्शनल बजट के टाइप्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के फंक्शंस के अकॉर्डिंग. और इसमें क्या करें फंक्शनल बजट के लिए, नंबर ऑफ फंक्शनल बजट्स डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस. अब ये अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सारे ही टाइप के या इससे भी ज्यादा बजट जो है वो बना रहा होगा. लेकिन कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या जहाँ पर प्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं हो रही हो, वो तो प्रोडक्शन का बजट तो वो नहीं बनाएंगे. वहां पे सिर्फ और सेल और परचेज का बजट जो है चलता होगा. जहाँ पे लेबर का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट का बजट जो है वो नहीं बनेगा. तो यानी ये डिपेंड करता है, फंक्शनल बजट डिपेंड करता है अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस का साइज क्या है और नेचर क्या है. प्रोडक्शन की एक्टिविटीज कैरी आउट करी जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज कैरी आउट करी जाती हैं, तो वहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के जो था वो बजट तैयार करे जाएंगे. अदरवाइज कोई अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो वो सर्विस इंडस्ट्री अकॉर्डिंगली बजट अपने दूसरे तरीके से चेंज करेगी. ये कैश बजट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा. क्वेश्चन जो आएंगे वो ये कैश बजट पर बहुत ज़्यादा जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. न्यूमेरिकल्स जो मिलते हैं वो कैश बजट के बहुत सारे मिलते हैं. बाकी ये सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, ये भी बजट के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे सारे, लेकिन इतने ज़्यादा लेंदे नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू कैश बजट. नेक्स्ट इज मास्टर बजट. मास्टर बजट क्या है, कंपोजिशन है. ये सारे जो सब्सिडरी बजट या फंक्शनल बजट जो बनाते हैं उन सब्सिडरी बजट और या फंक्शनल बजट्स को उठा करके एक जगह पर समराइज कर दिया जाता है. और जो समराइज करते हैं जिस जगह पर, तो उस समराइज करने को हम बोलते हैं मास्टर बजट. यानी सारे के सारे ये जो सब्सिडरी बजट बनेंगे उनको रख के एक जगह पे जब हम क्लासिफिकेशन कर देंगे, एक ही जगह पे जब हम उसको समराइज करके रखेंगे तो उसको हम बोलते हैं मास्टर बजट. वहाँ पे हम मास्टर बजट में हमें सेल्स की भी इंफॉर्मेशन होगी, परचेज की भी इंफॉर्मेशन होगी, प्रोडक्शन की भी इंफॉर्मेशन होगी,
सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की भी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की भी होगी, लेबर की भी होगी, बाकी सारे बजट्स की भी इंफॉर्मेशन होगी। यानी मास्टर बजट में सारी इंफॉर्मेशन, सारी फंक्शनल बजट्स की इंफॉर्मेशन हमें एक साथ देखने को मिलती है। उसके बाद जब मास्टर बजट बन जाता है तो मास्टर बजट इज फाइनली अप्रूव्ड। मास्टर बजट बनाने के बाद अप्रूवल मिलती है उसको। अप्रूवल मिलने के बाद हम जो है उसको एडॉप्ट करते हैं कि अब इसको मास्टर बजट को ऐसे ही अप्लाई करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको लागू कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है। और क्या बताना मास्टर बजट के लिए? इट शोज द ओवरऑल प्लान ऑफ बिजनेस। मास्टर बजट क्योंकि जो है वो सारे बजट्स का, ये ऊपर वाले सारे बजट्स का कॉम्पोजिशन है, तो यानी ये क्या बताएगा? ओवरऑल प्लान बताएगा बिजनेस का। कब के लिए बताएगा? जो भी उसका नेक्स्ट पीरियड रहे, 6 मंथ्स हो सकता है, 3 मंथ्स हो सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्लान जो है हो गया बिजनेस के नेक्स्ट पीरियड के, आने वाले पीरियड के लिए। ऑल्सो इसका दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज समरी बजट, जिसको हम समरी बजट के नाम से भी जानते हैं, प्लानिंग बजट के नाम से भी जानते हैं मास्टर बजट को, ऑपरेटिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसके ये कुछ तीन नाम है, इन तीन नामों से भी हम जानते हैं। लास्ट जो क्लासिफिकेशन आ रहा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी के बेस पर भी जो है बजट बनाए जाते हैं। उनमें पहला बजट है फिक्स्ड और दूसरा है फ्लेक्सिबल। कभी कभी ये फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में डिफरेंस भी मालूम कर लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहे कि ऐसे भी क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं देखने को। फिलहाल फिक्स बजट के लिए देखेंगे। फिक्स बजट क्या होगा? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसा बजट है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो वो बजट को हम जो है फिक्स बजट कराएंगे। पहली लाइन में यही बता रहे हैं, फिक्स बजट रिमेन्स अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेन्ड। मतलब कोई भी हम लेवल ऑफ एक्टिविटीज को हम अटेन करना चाहें, हासिल करना चाहें, लेकिन हमारा जो फिक्स बजट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये लेवल ऑफ एक्टिविटी का क्या है, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे हम सेल बढ़ाना चाह रहे हैं अपने 100% से 110% पर बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे कि हमारा बजट जो है फिक्स टाइप का है, तो हम लेबर को नहीं बढ़ाना चाहेंगे, लेबर उतनी ही लगाएंगे जितनी लेबर लग रही थी, या दूसरी कोई और एक्टिविटी को नहीं चेंज करेंगे, जो कि जितनी लग रही थी उतनी ही हम लगाएंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं, फिक्स्ड ही रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो आ रहा है वो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, इसमें कहना है फिक्स बजट के लिए डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक प्लांड आउटपुट। कोई स्पेसिफिक प्लांड आउटपुट के लिए इस बजट को बनाया जाता है, कोई लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए स्पेशली अगर कोई है तो उसके लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बताना है, एस्टैब्लिश फॉर ए स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाएंगे तो एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आ सकती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि हम उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं रखेंगे तो जो है हमारा बजट कामयाब या सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। लास्ट पॉइंट इसमें बता रहा है कि जनरली ये सुइटेबल काय के लिए है, जनरली इट इज सुइटेबल फॉर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनके लिए सुइटेबल है, जैसे कि डेप्रिसिएशन है तो वो फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं कर सकते, जितना लगना है एक ड्यूरेशन पर उतना ही लगता है। दूसरा टाइप आ रहा है इसके अंदर फ्लेक्सिबल बजट का। फ्लेक्सिबल बजट के लिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल बजट के लिए बता रहे हैं जैसे कि वहाँ पे था कि यहाँ पे सिचुएशंस अनचेंज रहती थी, यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबल बजट इज अ बजट विच इज डिजाइंड टू चेंज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। मतलब जैसे जैसे आपका आउटपुट का वॉल्यूम चेंज होगा, वैसे वैसे आप अपने यहाँ पे बजट को भी चेंज कर सकते हैं, यानी इस चेंज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बता रहे हैं, डिजाइंड टू फर्निश बजटेड कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि हम जो है अगर सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी भी लेवल पर जो है वो सेल्स देखना चाह रहे हैं, सेल डबल करेंगे, सेल्स को 3 टाइम्स करेंगे, सेल्स को 1.5 टाइम्स करेंगे, सेल्स को 120% का जो है बढ़ा देंगे, तो हमारी कॉस्ट कितनी कितनी बढ़ती चली जाएंगी, वो चीज़ें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। इसके जब क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। इसका दूसरा नाम है फ्लेक्सिबल बजट का, इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल बजट।
स्लाइडिंग स्केल बजट इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। स्टूडेंट्स हम यहाँ ही एंड कर रहे हैं और कल जो है इसके न्यूमेरिकल हम देखेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्न पर इसके न्यूमेरिकल देखेंगे।